खरगोन जिले के बालसमुद में दिगंबर जैन मंदिर में भगवान की प्रतिमा चोरी का मामला मंगलवार को एसपी पहुंचा है। समाजजनों ने वारदात में शामिल दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रतिमा सहित आभूषण चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसके फुटेज पुलिस को भी मुहैया कराए गए हैं। समाज के कैलाश जैन ने बताया, 14 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे बेदी पर प्रतिष्ठित दो चांदी की भगवान की मूर्ति और देवी पद्मावती के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया है। इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर प्रतिमाएं वापस दिलाने की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चोर थे, मोटरसाइकिल से आए थे, दोनों कवर हुए। पुलिस को उस समय में हमने सूचना दे दी थी, विधिवत रिपोर्ट भी कर दी थी। उसके बाद पुलिस तेजी से काम करे, इस वास्ते आज ज्ञापन दे रहे हैं हम सब समाज के लोग। चोर जो आरोपी थे, जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए क्या जी? नहीं, अभी पकड़े नहीं गए। पहले भी कभी हुई चोरी के? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ मूर्तियों कितनी, एक अंदाजन कितने की थी मूर्ति और ये मंगलसूत्र वगैरह? ये अंदाजन 1 लाख के आसपास। 1 लाख के? 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के आसपास। क्या नाम लिखते हैं? चंद्रशेखर जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।